हुआ है, ये मेरे प्रभु की मुद्रिका है। इधर उधर देखा, सभी राक्षसियां सामने बैठी थी। भगवान ने उसी समय, हनुमान जी महाराज ने अपने शरीर के आकार को बढ़ाया। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी वहां प्रकट हो गए और मैया जानकी को प्रणाम किया। कहा, मैया मैं राम दूत हनुमान हूँ, आपका पुत्र हूँ, मैं ही आया हूँ, आपकी खोज करने के लिए आया हूँ। अगर आप मुझे आदेश दें तो मैं रावण को अभी मार के आऊंगा, परंतु नहीं, मुझे केवल प्रभु ने आज्ञा दी है कि आपकी खोज करके आऊं। मैया जानकी कहा, नहीं पुत्र, अभी नहीं, मैं चाहती हूं कि मेरे स्वामी आए और मुझे लेकर के जाए। मैं उनके इंतजार में हूं, मेरे स्वामी आए और मैं उनके साथ में जाऊं। श्री हनुमान जी महाराज ने जब चारों तरफ फल देखे तो मां से कहा, मां बहुत जोरों से भूख लगी है, क्या मैं फल खा सकता हूं? मैया जानकी ने कहा, देखो बेटा, यहां बड़े बड़े राक्षस हैं और वो राक्षस तुम्हें मारेंगे। कहा, नहीं मैया, ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है, इस सब राक्षस देखते जाओ। भगवान जी वहां से चले और जितने वृक्ष थे फलों के सब तोड़ तोड़ करके फल खाने लगे। इधर जाकर के कुछ सैनिकों ने संदेशा दिया, राक्षस आए, श्री हनुमान जी महाराज ने उनका उद्धार किया। अक्षय कुमार आया, अक्षय कुमार को हनुमान जी ने धराशायी कर दिया। अब इसके बाद मेघनाथ चला, मेघनाथ तो इंद्रजीत था, इसके पास एक बाण था ब्रह्मा जी का, जिसको ब्रह्मपास कहा जाता है। मेघनाथ जी ने ब्रह्मा जी का ध्यान किया और बाण चलाया, हनुमान जी को बंदी बना लिया। हनुमान जी बंदी बन गए। हनुमान जी बंदी नहीं बनते, परंतु हनुमान जी ने देखा कि ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तो हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को नमन किया और ब्रह्मा जी के पास में बंद गए। क्योंकि हनुमान जी ने मन में विचार किया, जब तक मैं इनकी जाकर के राजनीति नहीं देखूंगा, अंदर से इनका राजमहल नहीं देखूंगा, तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि अंदर कौन कौन है। तो हनुमान जी बंद गए, हनुमान जी बंद गए। राज दरबार में हनुमान जी को लाया गया। हनुमान जी हाथ जोड़ करके खड़े, रावण ने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी चुपचाप खड़े। रावण हंसने लगा, अरे राक्षसों, तुम इस वानर को देख करके घबरा गए? एक ने कहा, महाराज ये वानर नहीं, महामायावी है, इसने बड़े बड़े राक्षसों का अंत कर दिया, मेघनाथ को इसी ने मारा है। कहा, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए, इसकी पूंछ काट दी जाए। तो विभीषण जी बैठे थे, नीति, विभीषण जी ने कहा, राता श्री, हम अगर कोई दूत आता है, दूत को कोई क्षति पहुंचाते हैं तो ये महापाप होता है, ऐसा करिए, इसको कोई ऐसा दंड दीजिए कि कोई हमें अपराध ना लगे, दोष ना लगे। तो विभीषण जी ने कहा कि इसकी पूंछ में आग लगा दीजिए। अब वहां पर सभी अपने अपने घर से कपड़ा लेकर के आए, तेल लेकर के आए। हनुमान जी की पूंछ में लपेटा गया कपड़ा, तेल में पूंछ को गोरा गया, तेल में पूंछ को डाल दिया गया। अब जैसे ही पूंछ में आग लगाई गई, आग लगते ही हनुमान जी ने अपना वही रूप धारण कर लिया। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। ऐसा विशाल काय रूप धारण किया हनुमान जी ने। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। हनुमान जी ने विचार किया कि जिसने जिसने
इस भंडारे में प्रसाद दिया है, जो जो कपड़ा लाया है, जो जो तेल लाया है, वहां वहां तक प्रसाद पहुंचाना पड़ेगा। तो जो जो अपने घर से कपड़ा लाया था, तेल लाया था, भंडारे की व्यवस्था की थी, भगवान ने विशाल रूप लेकर के नगर नगर अटारी अटारी कूद कूद करके सारी लंका में आग लगा दी। बोलो श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी हंसते जाएं और कूदते जाएं, देखते ही देखते सारी लंका जलने लगी। हनुमान जी ने कहा, जब तो बड़े खुश होकर के प्रसाद लाए सब, अब सबको प्रसाद ही तो मिलना चाहिए। हनुमान जी ने प्रसाद वितरण किया, पूरी लंका नगरी में आग लग गई। अब हनुमान जी महाराज ने समुद्र में कूद करके अपनी पूछ की आग को बुझाया है। मैया जानकी के पास आए, मैया जानकी को प्रणाम किया, कहा मैया मुझे आज्ञा दीजिए। मैया जानकी की आंखों में आंसू आ गया। कहा और विदेश में मैया जानकी, दूसरे देश में अपने देश का कोई मिल जाए तो बड़ी ममता हो जाती है। मैया जानकी को ममता हो गई। अरे पुत्र, मेरे प्रभु से कहना कि जब से मैं आई हूं एक बार भी मैं अपने प्रभु को नहीं भूली हूं। मैंने क्षण क्षण प्रतिपल अपने प्रभु को याद किया है और न जाने कब मेरे प्रभु आएंगे, कब मुझे ले जाएंगे। हनुमान जी ने कहा कि भैया चिंता मत करो, जैसे राम जी ने मुद्रिका भेजी थी, मुझे कुछ और निशानी दे दीजिए और मैं निशानी लेकर के जाऊं, भगवान को यह विश्वास दिलाऊं कि कोई भगवान को यह विश्वास हो जाए कि मैया जानकी से मिल के आया हूं मैं। मैया ने अपनी चूड़ामणि उतारी और हनुमान जी को दी। हनुमान जी ने मैया के चरणों में वंदना की, प्रणाम किया, नमन किया। हनुमान जी ने वहीं से उड़ान भरे और सीधा भगवान के चरणों की ओर आए। जैसे ही सभी वानरों ने हनुमान जी को देखा, सभी जय जयकार करने लगे। जय जयकार करते हुए हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए। पूरे ऋषिमुख पर्वत पर ये आवाज फैल गई। भगवान को पता चल गया कि मेरा हनुमान अब आ गया है। हनुमान आए, हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम किया, चूड़ामणि दी। हनुमान जी ने जैसे ही चूड़ामणि दी, भगवान की आंखों से आंसू आ गया। धन्य हो कपिराज, तुमने बड़ी कृपा की है और मैं तुम्हारे इस ऋण को कभी नहीं भूलूंगा। आज हनुमान जी महाराज चरणों में प्रार्थना करते हुए कहते, प्रभु सीता मैया को बड़ा कष्ट है, आप जैसा भी तैसा जल्द करिए और मैया सीता को लेकर के आइए। श्री हनुमान जी महाराज के कहते ही भगवान श्री राघवेंद्र ने तैयारियां कर ली। समुद्र के किनारे गए, देखा कि बड़ा भारी समुद्र, इसको पार कैसे किया जाए। तो दो इंजीनियर थे, नल और नील। समुद्र ने कहा,